नमस्कार दोस्तों, तो भारी पड़ा शाहरुख खान से पंगा। मैं ये बात अर्नब गोस्वामी के लिए कह रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी ने शाहरुख खान की पेट्रिज्म पर सवाल क्या खड़ा किया। अर्नब गोस्वामी को एसआर के फैंस चारों तरफ से घेर लिए हैं। आपको बता दूं, लगातार 4 दिन से ट्विटर में हैशटैग के ऊपर हैशटैग चला रहे हैं अर्नब गोस्वामी को लेके। कभी कोई कह रहे हैं हैशटैग देशद्रोही दल्ला अर्नब, तो कोई पे ट्रेंड चल रहा है हैशटैग भड़वे दलाल अर्नब गोस्वामी, कभी ट्रेंड चलता है हैशटैग हेटमोंगर अर्नब गोस्वामी। अब सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अर्नब गोस्वामी ने बॉलीवुड की सबसे बड़ी आउटसाइडर के ऊपर सवाल उठा दिया और उनकी पेट्रिज्म पे भी सवाल उठा दिया। ऐसे में एसआरके के खिलाफ पंगा लेना बहुत बड़ी महंगा पड़ गया अर्नब गोस्वामी को। लगातार आप ट्रेंड चल रहा है अर्नब गोस्वामी की मीम्स बना के, अर्नब गोस्वामी की असलियत मतलब ये जिस तरीके से हिपोक्रेट जर्नलिस्ट है इसकी पूरी एक्सपोज कर रहे हैं एसआर के फैंस। और ट्विटर में एसआर के फैंस ये भी कह रहे हैं कि शाहरुख खान से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं है। आप सभी को तो मैं बता ही चुका हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने शाहरुख खान को गलत दिखाया अपने शो में। ऐसे में शाहरुख खान की कनेक्शन पाक या फिर ISI एजेंट इनके साथ है, ये साथ दिखा के एसआरके की पेट्रिज्म पर सवाल उठाने की कोशिश किए हैं, तो उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया शाहरुख खान फैंस की तरफ से। और जवाब मिल गया ये कहना गलत है, क्योंकि लगातार ट्रेंड चल रहा है। आज भी शायद कोई ट्रेंड निकल जाए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, तो एसआरकेन्स अब अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथों लिए हैं। तो फाइनली इतना ही कहना चाहता हूँ कि अर्नब गोस्वामी ने गलत बंदे को टारगेट किया और गलत फैनबेस के साथ पंगा लिया। आप लोग क्या कहना चाहते हैं अर्नब गोस्वामी के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।